शुरू की गई ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के रेगुलर क्लासेस, स्टूडेंट्स को बांटे गए उनके एप्रॉन्स एंड आईडी। मैं अमान काजी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का एक प्रोग्राम रखा गया था 29 जुलाई गुरुवार के दिन। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को उनके एप्रॉन्स एंड आईडी कार्ड बांटे गए थे। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम सानिया हॉल जो कि चांदनगर में स्थित है उधर किया गया था और 1 अगस्त से इनकी रेगुलर बैचेस शुरू होने वाली है। तो देखिए कि कैसा था ये प्रोग्राम। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने किट्स के बारे में काफ़ी कुछ प्रोफेसर हसन मुरानी ने बोल किया है। मैं सिर्फ कोर्स के बारे में थोड़ा मुख्तसर सा बोल दूँ। हम 3 कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक पहला कोर्स है DMLT, दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंस और तीसरा कोर्स है डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। पहले कोर्स में DMLT में हम लोग प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ते। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, एक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का सीधा इस्तेमाल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में होता है। प्री क्लिनिकल इसलिए है कि वो क्लिनिक से अटेंड करने से पहले सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसमें बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंकिंग पैथोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो DMLT में हम लोग बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो पैथोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें जो है DMLT में हम लोग 6 महीने के 6 से 7 महीने हम लोग के क्लासरूम लेक्चर, इंटरनल एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, वाइवा होता है और फिर 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने के इंटर्नशिप के बाद 1 महीने की छुट्टी होगी और उसके बाद एग्जाम्स होगी। ये भी 1 साल का कोर्स है। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंस का कोर्स है। नर्सिंग की अभी मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल की जो इंडिया में रिक्वायरमेंट है, अभी तकरीबन 64 लाख बच्चों का रिक्वायरमेंट है, जबकि आप देखेंगे उस हिसाब से मुंबई में, मैं जब लॉकडाउन में था तो बतौर डॉक्टर मुझे हर दिन कम से कम 10 फोन आते थे कि नर्स नहीं मिल रही है, आप किसी को भिजवा दो, कोई खून जांच करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये जो परेशानी है, मुमरा में भी कम से कम अभी 1000 पैरामेडिक्स की ज़रूरत है इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए। तो ये जो नर्सिंग का कोर्स है, डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें हम लोग फंडामेंटल्स नर्सिंग का, कम्युनिटी डिजीज का, ये सब पढ़ाएंगे। इसमें इनकी ज़रूरत आमतौर पर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, घर में कोई पेशेंट हो, जेरियाट्रिक पेशेंट हो या बेड रिडिंग पेशेंट हो, उनके लिए होगा। इसके अलावा मेडिकल राइटिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ों में डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये भी 1 साल का कोर्स है। उसी तरीके से 6-7 महीने का लेक्चर होगा, साथ में इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, ये सब होगा। उसके अलावा बाद में 3 साढ़े 3 महीने के इंटर्नशिप के बाद 1 महीने की छुट्टी और फिर 1 महीने की छुट्टी नहीं रहती है, एक्चुअली वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपरेटरी लीव किया जाता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का कोर्स है, उसमें भी डिप्लोमा है। उसमें जो है ज़्यादा फोकस हमारा ये रहता है कि अलग अलग मेडिकल इंग्लिश डाइट का रिक्वायरमेंट पेशेंट का अलग अलग होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में अलग से डाइटिशियन के लिए पोस्ट होती है, किसी का प्राइवेट डाइटिशियन का ट्रेनिंग भी होता है। तो उसमें भी उसी तरह हम लोग अलग अलग बॉडी फिजियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग डाइट एंड न्यूट्रिशन के वैल्यू सिखाने के लिए एक कोर्स रखे, डिप्लोमाइन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें भी उसी तरह 6-7 महीने का ये होगा, करियर प्रैक्टिकल साथ में। उसके अलावा 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद फिर 1 महीने की छुट्टी के बाद इतना है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। वक्त के साथ धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि और भी क्या क्या है। इसके अलावा अभी हम लोग ये 3 कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं,
परी हमारे पास और प्रोसेस की भी थी, लेकिन हम लोग अभी इतनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, मतलब 15-15 तीनों में थी और अगर 40 हो चुकी तो, और इंशाल्लाह हम लोग आगे के साल से और कोर्सेज को जोड़ेंगे। ये बेटी कह रहा है, गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए। ये बच्चा डिप्लोमा इन मेडिकल एंड लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा है, मेरा प्रश्न भी अशिष्ट साहब सैकड़ी कार्ड और एप्रल पर दे रहे हैं। खान होम में कुछ सबसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाए। खान होम में कुछ सब ये बेटी की स्टूडेंट है, खान रुखसाना असगर अली ए बेटी, कलबे मुश्तबा ए बेटी, खान रवीश डिप्लोमा इन नर्सिंग, खान रवीश मैं वाराणसी सिद्धार्थ रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को आईडी दें। कुरेशी अनम जावेद, शेख सना मोहम्मद ईसा, सैद अल्फिया ये बेटी आगे आ जाओ। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रफीक कामदार साहब से, सैद अल्फिया आगे, खान अबीदा, मेमन साइमा नर्सिंग, वो नुगले आयशा जावेद को आईडी कार्ड और एप्रल दे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये यस वी कैन फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उसके जानिब से ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है, और कोरोना वायरस के बाद कई सारे लोग कोविड के डर से जॉब छोड़ चुके थे, कई सारे लोग उन्हें काम करने से कतरा रहे थे।